कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई काम करने जा रहे हो तो आपको पहले से एक पूर्वानुमान लग जाता है, एक आभास हो जाता है कि यह काम होगा या नहीं होगा। आपकी सिक्स्थ सेंस आपको बताती है। नवभारत टाइम्स में बाद जब मुझे एक असाइनमेंट मिला था, वो असाइनमेंट ऐसा था कि जब मुझे ये दिया गया तभी मुझे लगा कि ये काम होगा या नहीं होगा, उसका अंदाज मुझे पहले लग गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने फिर से उपस्थित हूं वही एक्सक्लूसिव खबरों का एक प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। वे बातें जो आप कहीं नहीं सुन पाते, आपने कहीं उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, एक अनूठी बात है। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह धर्मांधता यानी रिलीजियस फैनेटिज्म बड़े बड़े लोगों को, नामी लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है और उनके कैसे षड्यंत्र और ढकोसले होते हैं, इसे आप जानेंगे। मेरे साथ एक ऐसा ही वाकया हुआ और उसमें शामिल थी अपने जमाने की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा। 8वें दशक के अंतिम वर्ष की बात है। उस समय मैं नवभारत टाइम्स में लोकल बीट पर रिपोर्टर का काम करता था और उस वक्त चूंकि मुझे मुंबई की पैदाइश थी, यहाँ पढ़ाई लिखाई, यहाँ का हर आबो हवा हर चीज में जानता था, तो इसका निस्संदेह मुझे फायदा हुआ। शायद यही वजह थी कि मेरे एडिटर ने इस विषय के लिए मुझे ही चुना। तब नवभारत टाइम्स के प्रभारी संपादक विमल चंद दास हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बुलाया और एक पता थमाते हुए मुझे कहा कि सतीश, कल ऑफिस आने से पहले तुम ये एक्ट्रेस के घर होके आना, जाओ ये फिल्म एक्ट्रेस माला सिन्हा के घर जाना है और वहां पर जाकर पता लगाओ कि ये जो दावा किया जा रहा है ये सच है या नहीं, और अगर कुछ इसमें सच्चाई हो तो वहीं से मुझे फोन कर देना और मैं फोटोग्राफर भेजने की व्यवस्था करवा दूंगा। वे चाहते थे कि इस घटना को कोई फिल्म जर्नलिस्ट नहीं बल्कि लोकल का रिपोर्टर न्यूज के एंगल से इसे कवर करे। मामले को जानकर मुझे भी तभी लग गया था कि ये ऐसे कई ढकोसले हुआ करते हैं, कई बड़े बड़े क्लेम आते हैं। अगले दिन ठीक 11 बजे मैं माला सिन्हा के बांद्रा वेस्ट में, जहां से फैशन स्ट्रीट चालू होती है उसका दूसरा रोड जो है टर्नर रोड पे 5वें बंगला बंगला रहा होगा। बारिश उन दिनों खूब हो रही थी, हफ्ते भर से लगातार बारिश का दौर चल रहा था। मैसेज भिजवाया और कुछ समय बाद एक वृद्ध सज्जन अंदर आए, वे थे माला सिन्हा के पिता अल्बर्ट सिन्हा। ड्राइंग रूम में मुझे उन्होंने बिठाया और कुछ समय बाद वहां पर माला सिन्हा आई। मैं उन्हें पहली बार देख रहा था, उससे पहले मैंने उनको कहीं नहीं देखा था। पहले तो वो मिली और परिचय जानने के थोड़ी सी निराश हुई कि कोई फिल्म जर्नलिस्ट क्यों नहीं भेजा गया है। कुछ समय बीतने के बाद पिता और बेटी दोनों जीसस क्राइस्ट के महानता के गुण गाने लगे। वैसे पहली बार मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि ये लोग क्रिश्चियन हैं। कुछ समय बाद उनके पिता मुझे लेकर अपने कमरे में गए। चूंकि बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और दीवारें लगातार बारिश की वजह से सिलन पूरी भर गई थी उसमें, चूंकि आप जैसे ही एंटर करेंगे पता चल रहा था, और उसमें उस सिलन की वजह से काई आ गई थी, काई स्पष्ट दिख रही थी। अल्बर्ट सिन्हा दीवार के पास गए और उंगली दिखाते हुए बोले, देखिए ये यहाँ पर जीसस क्राइस्ट हैं, ये देखिए इनके हाथ हैं, ये सूली पर लटके हुए हैं। तब तक माला सिन्हा भी पीछे से आ गई थी, वे भी बार बार ये जोर देकर करती रही कि देखिए क्राइस्ट ने अपने अवतार को दिखाने के लिए हमारा घर चुना है और इस दीवार पर कल रात तक बिल्कुल साफ था और आज रात को हम सब उठे हैं जब तब देखा तो जीसस क्राइस्ट यहाँ दिख रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये अपने आप हुआ है और ये एक चमत्कार। माला सिन्हा के पिता बार बार जोर देकर यही कह रहे थे कि क्राइस्ट का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दर्शन देने के लिए मेरा घर और मेरे दीवार को चुना हुआ है। माला सिन्हा हो या उनके पिता अल्बर्ट, दोनों इस बार बार जोर देकर कह रहे थे कि ये भारत की सबसे बड़ी खबर है और कल के अखबार में पहले पन्ने पर सबसे बड़ी खबर के रूप में इसे छापा जाना चाहिए। एक तरफ तो ये सब मिलकर मुझे इम्प्रेस कर रहे थे और मैं था कि सच्चाई जानता था, मैं जान रहा था कि बहुत महीनों सालों पुरानी दीवार है और इस पर ये काई इस बार की बारिश की नहीं है, पुरानी है।
और उस पर वो सिलन जो है वो भले नई दिख रही हो। कहा जाता है ना कि आप जिस तरह जिस भावना से जिस चीज को देखते हैं उसमें आपको वही दिखता है। तो वे जीसस क्राइस्ट देख रहे थे, लेकिन अब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, और मेरी वो उहापोह को बड़ी बारीकी से परख रहे थे, बड़ी बारीकी से टटोल रहे थे। और अंत में माला सिन्हा से नहीं रहा गया और वे क्लियर मुझसे पूछ बैठी, ये इसमें आपको क्राइस्ट नहीं दिख रहे हैं? मैंने साफ कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब उनका ये सुनना था कि चेहरा बिल्कुल तमतमा गया। वो देखिए, ये सामने ये सूली पर लटके हुए हैं, उन्हें कीलें ठोकी गई हैं, और आपको इसमें सबको दिखाई दे रहा है, आपको कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? मैंने कहा हो सकता आपके और मेरे विचारों में फर्क हो। इसके बाद माला सिन्हा और पूरा परिवार मुझे लेकर मेन ड्राइंग रूम में आया। वहां से मुझे कहा कि आप अपने संपादक जी को फोन लगाइए। मैंने फोन लगाया तो तुरंत माला सिन्हा ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और मेरे संपादक से कह रही कि आपने कैसे रिपोर्टर को भेजा है, ये बिल्कुल एथिस्ट है, ये आपने बिल्कुल नास्तिक आदमी को भेजा हुआ है, इसे कोई श्रद्धा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो शायद विमल जी ने वहां से कहा होगा कि आप फोन रिपोर्टर को दीजिए। उस कमरे में मौजूद सभी के कान उस फोन पर लगे हुए थे कि मैं क्या बता रहा हूं। मैंने तुरंत भोजपुरी में उनसे कहा कि मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये इन लोगों का भ्रम है। विमल जी ने कहा कि तब सीधे चले आओ, फोटोग्राफर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे इस रुख और रिएक्शन से देखकर अल्बर्ट जनाब तो बिल्कुल तमतमा गए थे। मैं हंसते हुए वहां से निकला और 5 मिनट की दूरी पर वहां से रेलवे स्टेशन है बांद्रा, मैं वहां पहुंचा। लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे जहन में यही चलता रहा कि आखिर क्या रिलीजियस फेनेटिज्म ये कहता है, ये करने के लिए कहता है? ये रही आज की बातें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगली बार कुछ नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए जय हिंद।